मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी डिवीजन, गुजरवाला डिवीजन और फैसलाबाद डिवीजन के लिए टिकटों का ऐलान कर दिया। एनए 75 नरवाल में दानियाल अजीज को टिकट ना मिल सका। रावलपिंडी डिवीजन में एनए 49 से शेख आफ्ताब, एनए 50 से मलिक सोहेल, एनए 51 से राजा उसामा सरवर को टिकट जारी, एनए 52 से राजा जावेद अखलास, एनए 53 से राजा कमर इस्लाम, एनए 55 से मलिक अब्रार अहमद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे, एनए 56 से हनीफ अब्बासी, एनए 57 से दानियाल चौधरी, एनए 58 से मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल और एनए 59 से सरदार गुलाम अब्बास को टिकट जारी कर दिया गया। गुजरमाला डिवीजन में चौधरी आबिद रजा, नवाबजादा गजनफर गुल, चौधरी नसीर, अब्बास सिद्धू, निसार चीमा, सायरा अफजल तारड, मुशाहिर रजा शामिल है, नासर इकबाल बोसाल, इरमगाल सुबहानी और ख्वाजा आसिफ अली जाहिद, नौशीन आफ्ताब को भी टिकट जारी कर दिया गया। शमीम अहमद खान, चौधरी इनवारुल हक, अहसन इकबाल और बशीर विर को भी नून लीग का टिकट जारी कर दिया गया। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया। पिशावर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कालेअदम करार दे दिया। ईसीपी के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान के हकदार है। इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करे। पिशावर हाईकोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने की। शिकायत कुनिंदा दोबारा इंतखाबात नहीं, पार्टी खत्म करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद या पिशावर कहीं भी चैलेंज हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में दो बार पीटीआई ने हुकूमत की। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब भी इसी सूबे से हैं। बरिश्ते अली जफर के दलाल, पीटीआई को एक साल दिया गया लेकिन इलेक्शन नहीं कराया। किसी भी सियासी पार्टी के मेंबर का हक है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकिन इस उसूल पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मेहमद के दलाल, एक मरतबा शेड्यूल जारी हो जाए तो फिर कैसे इंतखाबी निशान का फैसला हो सकता है? क्या सियासी जमात बगैर इंतखाबी निशान इलेक्शन लड़ सकती है? जस्टिस अरशद अली का सवाल। 1985 में इंतखाबी निशान के बगैर इंतखाबात लड़े गए। काजी जवाद एडवोकेट का जवाब, उस वक्त माशाल्लाह था। जस्टिस अरशद अली के रिमार्क्स, यहाँ तो सब जमातें एक ही खानदान के लोग चलाते आ रहे हैं। दरख्वास्त गुजार शायद वाहिद जमात है जो वर्कर्स को आगे आने दे रही है। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। और पिशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस दिलवा दिया। ये पाकिस्तानी कौम की अमंगों की तर्जमानी करने वाला निशान है। अगर ये निशान वापस ना होता तो हमारी रिजर्व सीटें चली जाती। हमने ऐसे इंटर पार्टी इलेक्शन कराए जैसे दूसरी पार्टी ने नहीं कराए। कल शाम तक पार्टी टिकटों का ऐलान कर देंगे, जिसका हक होगा उसको टिकट मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बरिश्ते गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू।